नमस्कार, मैं हूं नवरात्रेश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं राशि फल की ओर। दर्शकों ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशि फल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आने वाला सप्ताह मेष राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आप जीवन साथी के साथ कई खुशी के पल बिता सकते हैं। आपके आसपास का वातावरण खुशनुमा रहेगा। माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होने वाली है। कानूनी कार्यवाही में आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है। दंपतियों के बीच विवाद सुलझने वाला है। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत पूर्वजों को याद करके नमन करके करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आप किसी खास व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जीवन में नए अवसर सामने आएंगे, साथ ही कार्यस्थल में बदलावों को अपनाने के लिए तैयार भी रहें। खुद पर ध्यान रखें, वरना पुरानी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। विदेश से शुभ समाचार मिल सकते हैं। आय बेहतर बनी रहेगी, व्यापार में लाभ होगा और मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। अपने जीवन साथी के विचारों को महत्व दे, बच्चे आपकी मदद करेंगे और काम व्यवस्थित रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग काला रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत पीपल के वृक्ष में काले तिल और जल डालकर करें। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। बुधवार और गुरुवार को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने काम के प्रति उत्साहित नहीं रहेंगे। कर्ज संबंधी दिक्कतें भी आ सकती है। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। शनिवार को धन लाभ के साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। बिजली और कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी अनुकूल स्थिति बनी हुई है। कार्य पूरा करने में सफल होंगे। आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती है। प्रेम संबंधों से दूर रहना ही बेहतर होगा। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह की शुरुआत गरीबों को किसी भी प्रकार से सहायता करके करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि इस सप्ताह आपको भाइयों से सहयोग मिलेगा। बुधवार एवं गुरुवार को स्थायी संपत्ति से लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। योजनाएं सफल होंगी। कामकाज में रुकावटें दूर होंगी। आय में वृद्धि होगी। शनिवार को कोई भी सोचे हुए कार्य पूर्ण नहीं होने से तकलीफ हो सकती है। इस सप्ताह दूसरे लोगों पर भरोसा करने से बचे। कार्यस्थल पर कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। आलस को त्याग दें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रिश्ते मजबूत होंगे। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग लाल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। मंगलवार से हालात बेहतर होने लगेंगे। आपको कोई अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम में सफल हो जाएंगे। धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको अपने परिवार से सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में दूरियां रहने की संभावना दिखती नजर आ रही है। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग कत्थई रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सामान्य रहेगा। आप पिछली समस्याओं को सुलझाने में प्रभावी रहेंगे। यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। कामकाज में तेजी आएगी और आपको कोई सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह अत्यधिक खर्च बढ़ेगा और अनावश्यक तनाव भी हो सकता है। छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पार्टनर के साथ बहस से बचें। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। आइए अब बात
लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि, मंगलवार तक का दिन शांति से कटेगा। बुधवार और गुरुवार से आपको धन की कमी रह सकती है, संघर्ष अधिक होगा। इस सप्ताह महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बच्चे आपके पक्ष में रहेंगे और आप किसी भी कानूनी विवाद में जीत हासिल करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियां हो सकती है, हालांकि दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत इलायची खाकर करें। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। लाभ मिलने का योग बन रहा है। धन की प्राप्ति, लेन देन संबंधी मामले में सावधानी बरतें, वरना आर्थिक हानि हो सकती है। आपको कार्यस्थल पर सम्मान और पदोन्नति मिलेगी। ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन और लव पार्टनर के बीच तनाव हो सकता है। आपके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग संतरी रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन लाभ होगा। परिवार वालों के साथ कहीं जाने का प्लान बन सकता है। आप भाग्यशाली रहेंगे और बच्चे खुश होने का मौका देंगे। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। अपने पेशे या व्यवसाय को किसी के हाथ में न सौंपे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहेगा। आप अपने लव पार्टनर से बेहद जुड़ाव महसूस करेंगे, खुश रहेंगे और वैवाहिक सुख मिलेगा। सेहत बेहतर रहेगी। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग भूरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। तो चलिए चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि, इस सप्ताह आप अपने प्रतिद्वंदियों पर काबू पाने में कारगर रहेंगे। विवादों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। इस सप्ताह आपको परिवार से भी मदद मिलेगी। किसी को सलाह ना दें। सप्ताहांत अच्छा रहेगा। निवेश और नौकरी में बदलाव से सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैर और सर दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसी संभावना है कि आप और आपके परिवार के बीच विवाद हो सकता है, अतः आप बहस से बचें। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा देव को दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। आप कुछ ऐसे कार्य की ओर बढ़ेंगे जो समाज में निंदा के योग्य होंगे। आय में कमी और समय की हानि हो सकती है। विवादों से दूर रहे। शनिवार शाम से समय बेहतर हो जाएगा। निवेश से पूरी तरह बचे और नौकरी में सावधानी से काम करें। हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहें। लव पार्टनर व्यवहार में चिंता का कारण बन सकता है। दोस्तों के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें। व्यायाम करें, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है अंतिम राशि मीन की। मीन राशि, आप इस सप्ताह ईश्वर पर विश्वास रखें और एक नई वास्तविकता पर विश्वास रखें। इस सप्ताह नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में यात्रा संभव है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। व्यवसाय में लाभ होगा। शारीरिक रूप से आप फिट महसूस कर सकते हैं। किसी पर भरोसा करने से बचें। अच्छा खाना पीना, आराम करना, व्यायाम करना और ध्यान लगाकर रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशिया न्यूज़ पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।